अलीगढ़ थाना मडराग क्षेत्र में बीती रात को एक घर में लूट के इरादे से घुसे चार चोरों ने दंपति का गला रेतकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। थाना मडराग क्षेत्र के समृद्ध टाउनशिप रास्ते में एक वर्मा परिवार तरुण वर्मा और उनकी पत्नी आशा वर्मा रहते हैं। घर में भवन निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। 14 अप्रैल 2023 की बीती रात करीब 1 बजे चार चोर घर के पीछे की ओर से छत पर चढ़े। दोनों के चढ़ने की आहट होने की भवन स्वामी की नींद खुल गई और जैसे ही वह छत की ओर बढ़े घात लगाए बैठे चारों बदमाशों ने भवन स्वामी तरुण वर्मा को पकड़ लिया और सर में डंडा मार दिया, जिससे तरुण वर्मा घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। पति के चीख चिल्लाने की आवाज से पत्नी जैसे ही छत की ओर बढ़ी तो बलात्कार की नीयत से चारों बदमाश ने पत्नी को आशा को भी पकड़ लिया। शोरगुल होने से आसपास के पड़ोसी एकत्र होकर तरुण वर्मा के घर की ओर बढ़ने लगे तो बदमाशों ने अपने को घिरता देख जेब से चाकू निकालकर दोनों दंपति का गला रेत दिया, जिससे पत्नी पति और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। मगर पति ने हौसले दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया, बाकी 3 बदमाश छत से कूदकर भागने में सफल रहे। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इधर इस मामले में मडराग कोतवाली इंस्पेक्टर का कहना है कि चोरी की घटना की जानकारी तो है मगर चोर को गिरफ्तार किया गया है। इस बात से उन्होंने नकार दिया। पति की हालत ज्यादा गंभीर है, जिसे मेडिकल इलाज के लिए रेफर कर दिया है। वहीं पत्नी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। इस घटना में क्षेत्रवासियों में भय व्याप्त हो गया है, क्योंकि इस जगह पर बिजली व्यवस्था नहीं है और पुलिस रात में पेट्रोलिंग नहीं करती है। इस प्रकार में के पब्लिक ने पुलिस और बिजली विभाग पर आरोप लगाए हैं। कहूंगा पंगा सब सब रिटर्न कर ले, सब फिट कर ले। मौका सीन से ये फोन बरामद भी हुआ है। जैसा कि आप इस लोग इस समय आप देख रहे हैं, ये उन्हीं अपराधियों का यह फोन बताया जा रहा है, जो कि कुछ समय बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। Thank you.